नमस्कार, देश दुनिया की ताजा खबर क्या क्या होने वाली है, डालते हैं नजर सुर्खियों पर। सर्जरी के बाद बिगड़ी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। अमेरिका ने शुरू की चीन के खिलाफ जंग। राष्ट्रपति भवन में पहुंचा कोरोना का कहर। प्लाज्मा थेरेपी से देश में पहली बार कोरोना का सफल इलाज। आइए नजर डालें अब कोरोना वायरस की अपडेट्स पर। पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस केस का आंकड़ा जहां 24,95,362 तक पहुंच गया है, उनमें से 1,71,064 लोगों की जाने जा चुकी है और 6,55,664 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 18,658 तक पहुंच गया है, उनमें से 592 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,273 लोग रिकवर हो गए हैं। सर्जरी के बाद हालत बिगड़ी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। क्रूरता और बेरहमी के लिए पहचाने जाने वाले और कई लोगों की जिंदगी छीन चुके उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि दिल की सर्जरी के बाद किम जोंग उन गंभीर खतरे में हो सकते हैं। ये रिपोर्ट 21 अप्रैल को प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट का स्रोत उत्तर कोरिया में विशेषज्ञता रखने वाले एक दक्षिण कोरियाई इंटरनेट समाचार आउटलेट को कहा जा सकता है। इसमें यह रिपोर्ट आई कि किम जोंग ने उस महीने की शुरुआत में दिल की सर्जरी कराई और उसके बाद से वे अपने निजी विला में आराम कर रहे हैं। किम के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें हफ्ते भर पहले भी लगनी शुरू हो गई थी जब वह देश के सबसे महत्वपूर्ण जश्न से गायब थे। 15 अप्रैल को किम के दिवंगत दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग की याद में वार्षिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार इसमें किम ने शामिल नहीं हुए। उत्तर कोरिया में इस दिन पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रहता है। किम की गंभीर बीमारी के क्यासों के बीच दक्षिण कोरिया की सरकार ने कहा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग सर्जरी के बाद नाजुक स्थिति में है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी ने हालांकि इस तरह की रिपोर्ट की कोई पुष्टि नहीं की। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन से भी मीडिया की तरफ से प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किम के गंभीर रूप से बीमार होने की खबरों के बीच दक्षिण कोरिया ने कहा कि किम गंभीर रूप से बीमार नहीं है। बता दें कि अपने पिता और दिवंगत नेता किम जोंग उल की 2011 के अंत में मृत्यु हो जाने के बाद किम ने नेता का पद संभाला था। अमेरिका ने शुरू कर दी है चीन के खिलाफ जंग। कोरोना का पता लगाने वुहान जाएंगे अमेरिकी एक्सपर्ट। पूरी दुनिया को इस बात का शक है कि कोरोना का खलनायक चीन ही है। कोई देश दबी जुबान में तो कोई देश खुलकर चीन की खिलाफत में खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट हो रही है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका कोरोना का सबसे बड़ा शिकार हुआ। अमेरिका ने कोरोना को लेकर ऑपरेशन चीन की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में ट्रंप ने चीन को खुलेआम चुनौती दी थी कि अगर ये गलती थी तो गलती तो गलत होती है, लेकिन अगर ये जानबूझकर किया गया तो निश्चित तौर पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अब अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस को लेकर आर पार की जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है कि अगर कोरोना वायरस पर चीन के खिलाफ जो भी शंकाएं हैं वो सच साबित हुई तो चीन को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन के वुहान की खतरनाक लैब को ही सही सारी दुनिया शक की निगाह से देख रही है। कोरोना वायरस वही वुहान की लैब से तो नहीं निकला, इस पर अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है। तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका की एक्सपर्ट टीम चीन में जांच के लिए जाए। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका से जांच टीम भेजने के लिए चीन से बात की थी, लेकिन चीन ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। चीन कोरोना पर सच्चाई नहीं बता रहा है, जिसपे पूरी दुनिया चीन से खफा है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी चीन के खिलाफ सार्वजनिक मंच से नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि चीन में क्या हुआ उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। मैं उनके इस रवैये से खुश नहीं हूं। वुहान के जिस वायरोलॉजी लैब पर कोरोना लीक करने का शक है, ये वही लैब है जहां शोध कराने के लिए अमेरिका भी फंड देता था, लेकिन अमेरिका को इस बात की भनक शायद जरा भी नहीं रही होगी कि इस लैब में बनाया गया कोरोना वायरस अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया। अब अमेरिका ने वायरस को लीक होने की जाँच तो शुरू कर दी है, लेकिन सवाल है कि
चीन अमेरिका को जांच करने का मौका क्या देगा? क्या अमेरिका की एक्सपर्ट टीम को घातक वुहान लैब में घुसने देगी? राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना, अब क्वारंटाइन करने पड़े 125 परिवार। राष्ट्रपति भवन में कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद कुल स्वास्थ्य मंत्रालय ने 125 परिवारों को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन होने की सलाह दी है। बता दें कि किसी भी इलाके में कोरोना का एक भी मरीज पाए जाने पर पूरे इलाके के लोगों को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। इधर 21 दिनों के लॉकडाउन के बावजूद मामले बढ़ते दिखे तो इसे 3 मई तक और बढ़ा दिया गया। कोरोना का कहर भारत पर जमकर बरपा है। यहां इस वायरस से निपटने की दिशा में राहत भरी खबर देते हुए सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में अब संक्रमण के मामले 2 गुने होने की दर धीमी होकर 7.5 दिन हो गई है तथा एक पखवाड़े में 59 जिलों में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस बीच कुछ राज्यों ने अर्थव्यवस्था हो रहे नुकसान को थामने के लिए लॉकडाउन की कुछ पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है। वहीं तमिलनाडु कर्नाटका ने दिल्ली की तरह 3 मई तक कोई ढील नहीं देने का फैसला लेकर बड़े प्रतिबंध जारी रखने को प्राथमिकता दी है। तेलंगाना राज्य ने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। पंजाब ने पहले 3 मई तक किसी भी तरह की ढील देने से इनकार किया था लेकिन अब कहा है कि उच्च जोखिम वाले नियंत्रण क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ स्थानों पर कुछ औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हो सकती है। दिल्ली में पहले चरण की राहतें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और गोवा समेत कुछ राज्यों में चुनिंदा स्थानों पर दी गई है। कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में आज भी इजाफा देखा गया। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रविवार और सोमवार के बीच देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1593 नए मामले सामने आए, वहीं 15% रोगी सही हो चुके हैं। मंत्रालय ने शाम 5 बजे के आंकड़ों में बताया कि देश में कोरोना वायरस में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17,656 पर पहुंच गया है और अब तक 559 मरीजों की मौत हो गई है। डॉक्टरों को मिली बड़ी कामयाबी, प्लाज्मा थेरेपी से देश में पहली बार कोरोना का सफल इलाज। दुनिया भर में अबूझ पहली बन चुके कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी ने उम्मीद की किरण दिखाई है। देश में पहली बार इस थेरेपी से 39 वर्षीय गंभीर रूप से संक्रमित व्यक्ति का सफल इलाज किया गया है। यह सफलता दिल्ली के निजी अस्पताल मैक्स के डॉक्टरों ने हासिल की है। इस थेरेपी से 4 दिन में ही मरीज के ठीक होने से चिकित्सक बेहद उत्साहित है। अस्पताल का कहना है कि डिफेंस कॉलोनी निवासी मरीज को 4 अप्रैल को मैक्स अस्पताल के ईस्ट ब्लॉक में भर्ती किया गया था। उसी दिन जांच में उन्हें कोरोना की पुष्टि हुई थी। शुरुआत में उन्हें बुखार व सांस लेने में परेशानी थी लेकिन 1-2 दिन में ही स्थिति गंभीर हो गई। इस वजह से ऑक्सीजन देनी पड़ी लेकिन उन्हें निमोनिया हो गया। फेफड़े भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्हें 8 अप्रैल को ICU में वेंटिलेटर का सपोर्ट देना पड़ा। वहीं उनके परिजन ने अस्पताल प्रशासन से प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने का आग्रह किया। डोनर भी परिजन खुद ही लेकर आए जो 3 सप्ताह पहले ही ठीक हुए थे। दो बार डोनर की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद भी मैक्स में कोरोना के अलावा HIV, हेपेटाइटिस बी व सी की जांच कराई गई। ये रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उनके ब्लड से प्लाज्मा लेकर 14 अप्रैल को मरीज को छुड़ाया गया। डॉक्टरों की माने तो इसके बाद 4 दिन में ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आए और मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। 18 अप्रैल को वेंटिलेटर सपोर्ट भी हटा दिया गया, हालांकि उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी। रविवार को उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के इलाज में यह एक उम्मीद की किरण है, इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यह अस्पताल में आसानी उपलब्ध हो और देश भर के अस्पताल मरीजों के इलाज में इस तकनीक का इस्तेमाल कर सके। चुनौती के इस दौर में इलाज का एक नया विकल्प मिला है।